हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो एडिशन से थोड़ा सा अलग है। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट, एडिशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हमने स्टडी किया। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यहाँ पे जो स्केलर है वो आपका एक अलग टॉपिक है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल आपके लिए अलग है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हर एक टॉपिक की प्रॉपर्टीज पढ़ना मैथ्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका स्केलर। तो सबसे पहले स्केलर का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता देना चाहूंगी। स्केलर का मतलब होता है जब हम किसी एक कॉन्स्टेंट नंबर को लेते हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम बोलेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, इसका मतलब ये है कि आप किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं के ए इज इक्वल्स टू, के जो है आपका कोई भी मैट्रिक्स आई जे इसके इक्वल होगा, एम इन टू एन, ये इसका नोटेशन है लिखने का। और इसे करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि के है हमारे पास यहाँ पर 2, और कोई भी हम मैट्रिक्स यहाँ ले सकते हैं। मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 4 6। तो अब हम इसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 4 इंटू 2 2 इंटू 2 6 इंटू 2, इस तरीके से। और अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 4 8 और 12। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। हम इसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको इस कंसेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है और ए जो है वो आपका गिवन है, यहाँ पर फाइंड होगा, क्वेश्चन जो होगा उसमें फाइंड लिखा होगा 2 3 4 1। तो आपको कैसे करना है ये स्टूडेंट, ये आपके पास ए है तो पहले आपको ए इंटू ए करना होगा, प्लस ए मैट्रिक्स करनी होगी, फिर ए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस टॉपिक को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है। उसके बाद ए, देन आइडेंटिटी, ए तो हमारी यही मैट्रिक्स हो जाती है। आइडेंटिटी जो है वो है, उसका मतलब ये होता है किसी भी मैट्रिक को उसके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए ही ये स्केलर को समझाया जाता है। तो ये भी हम क्वेश्चन मार्क के साथ इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के लिए वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी रो इनटू कॉलम हम लोग जो करते हैं, तो फर्स्ट रो को आपको कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन के रूप के अंदर। और इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से बिल्कुल ही अलग है। तो हम चलिए हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं 2 4 3 1, ये हमारी ए मैट्रिक्स है और बी हमने कोई मैट्रिक्स ली है जो कि है आपकी 2 3 1 6, इस तरीके से। अब मुझे ए इंटू बी करना है, राइट? तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3
थ्री इंटू वन, मतलब कहने का ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम कैसे कर रहे हैं, टू इंटू टू प्लस किया थ्री इंटू वन, देन हम क्या करेंगे इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू सिक्स, ऐसा फोर इंटू टू प्लस वन इंटू वन, फिर फोर इंटू थ्री प्लस वन इंटू सिक्स, इस तरीके से हम करते जाएंगे, फोर प्लस थ्री एट प्लस वन, सिक्स प्लस एटीन ट्वेल्व प्लस सिक्स, अब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है सेवन एटीन प्लस ट्वेंटी, एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर, और ये आपका एटीन और ये आपका नाइन, इस तरीके से। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है वो आ गया। अब आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि रो और कॉलम इक्वल ना हो। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो आप इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है, जैसे कि हमने लिया टू फोर सिक्स थ्री वन नाइन, ये आपकी एक मैट्रिक्स है जिसमें रो जो है वो कॉलम से होगा। तो अगर ये मैट्रिक्स वन टू थ्री सिक्स इस फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस चीज़ का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हमने समझा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है कांस्टेंट नंबर के साथ। इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए अभी हम आगे आएंगे। उससे पहले यहीं पर मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देना चाहती हूँ जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ही यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्री ए प्लस टू एक्स, ये एक्स है, प्लस आई, इस तरीके से भी अगर आपको मैट्रिक्स दी गई है तो भी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज होगी। तो स्केलर और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही टॉपिक बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको साइमेंटेनियसली आपको समझाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम इसी टॉपिक के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्यूमुलेटिव ही है जो कि हमारी पहली थी, क्यूमुलेटिव लॉ। अब यहाँ क्यूमुलेटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब आपको इसको प्रूफ भी करके आप देख सकते हैं, आपको जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं b यही इसी क्वेश्चन में अगर मैं b इंटू ए करती हूँ, टू वन थ्री सिक्स, इस तरीके से मैंने लिया टू थ्री फोर वन, ये मैंने अलग अलग मैट्रिक्स ले ली है, बी है ये ए है, राइट। इस प्रॉपर्टी को सॉल्व, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमेशा सॉल्व करने के बाद ही बनती हैं स्टूडेंट। तो टू इंटू टू किया हमने, फिर थ्री इंटू फोर किया, इससे किया, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, टू इंटू हमने इसी को इससे करना है, अब एक सेकेंड, टू इंटू टू, फिर थ्री इंटू फोर, फिर टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन, वन इंटू टू प्लस सिक्स इंटू फोर, और फिर वन इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू वन। तो अब हम देख सकते हैं आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल फोर प्लस ट्वेल्व, टू प्लस टेन, सॉरी ट्वेंटी फोर, और यहाँ आपका आएगा सिक्स प्लस थ्री, थ्री प्लस सिक्स, तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स नाइन नाइन।
जो कि कंप्लीटली अलग है, यानी कि ए इंटू बी है 7, 9, 24, 18, जो कि नॉट इक्वल्स टू है 16, 26, 9, 9 के। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव लॉ की। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव लॉ को समझा। दूसरा जो आपका एसोसिएटिव लॉ है, वो भी स्टूडेंट यही चीज यहाँ पर बताता है कि किसी भी तीन मैट्रिक्स के लिए जो है वो आपकी डिफाइन करेंगी डिफरेंट। ए अगर वो प्लस हो रही है तो नहीं, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमेशा आपका डिफरेंट आंसर आएगा। ए इंटू बी को सी से करते हैं इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, तो ये आपका इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ को भी समझ सकते हैं। क्यूमुलेटिव लॉ तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के जरिए मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया। आने वाली वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरह समझने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जाकर मुझे कमेंट बॉक्स पर कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। थैंक यू।